आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पार्ले जी से केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें ना हम एक्स्ट्रा मैदा डालेंगे ना कोई ऑयल डालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा केक। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस केक को बनाने के लिए यहाँ पे हमें पार्ले जी का बिस्किट चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पैकेट लिया है। इस एक पैकेट में दो बड़े पैकेट इस तरीके से आते हैं और दो पैकेट पार्ले जी का मैंने ले लिया था, तो उसमें आपको चार पैकेट मिल जाएंगे। चार पैकेट में से हमें सिर्फ तीन पैकेट का ही इस्तेमाल करना है। तो इसको अब हमें तोड़ लेना है इस तरीके से छोटे टुकड़ों में और मिक्सी जार में डाल के हमें इसका पाउडर बना लेना है। एक से दो बार आप चलाएंगे तो बिल्कुल ही महीन पाउडर बन जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ही महीन पाउडर बना है। इसी तरीके का पाउडर हमें चाहिए और बाकी को भी मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। तो सिर्फ मैंने तीन पैकेट लिया है उसका। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप जैसा पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिस्किट में तो पहले से ही चीनी रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ कप चीनी डाला। चीनी और पाउडर को हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए अच्छे से अब ये मिल गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक कप जैसा दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर में है दूध, और इसे हमें धीरे धीरे करके डालना है। और एक केक का बैटर जैसा हम बनाते हैं उसी तरीके का गाढ़ा बैटर हमें बना के रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके दूध डाला और पूरा एक कप मुझे दूध लग गया इसको बनाने में। तो हमारा बैटर रेडी है। इसके बाद मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल दूँगी, आधा चम्मच जैसा मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे भी हमें अच्छे से बैटर में मिला लेना है। आपके पास अगर वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच जैसा टूटी फ्रूटी लिया है, आधा चम्मच मैं डाल दूँगी और आधा बचा के रख दूँगी ऊपर से डेकोरेशन के लिए। इसे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। आप अगर चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं आधा चम्मच जैसा बेकिंग पाउडर मिला दूँगी और इसे हमें बैटर के साथ बहुत अच्छे से मिला लेना है। जब आप केक बनाने जाएं तभी बेकिंग पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। देखिए हमारा बैटर काफ़ी अब स्मूथ और सिल्की टेक्सचर का हो गया है। यहाँ पे मैंने टिन लिया है जिसमें मैं केक बेक करूँगी। इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के लिए आप घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और चारों तरफ से कॉर्नर्स में हमें इसे बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर पेपर आप जब अच्छे से लगाएंगे तो क्या होगा, जब आप केक को डिमोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फ्लोर डस्ट कर ले इसके ऊपर। इसके बाद हमने जो बैटर बना के रेडी किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरीके का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसे एक से दो बार टैप कर दूंगी। नेक्स्ट मैं ऊपर से टूटी फ्रूटी इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पे आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को नमक के साथ प्रीहीट कर लिया था। अगर आप नमक यूज़ नहीं करना चाहें तो बिना उसके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं केक के टिन को रख दूँगी और लो फ्लेम में 25 से 30 मिनट तक इस केक को हमें बेक कर लेना है। देखिए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा केक कितनी अच्छी तरीके से बेक हो गया है। टूथपिक डाल के देखूंगी, देखिए क्लीन आ रहा है। इसका मतलब हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। देखिए हमारा केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हमें इसे डिमोल्ड करना है। डिमोल्ड करने के लिए यहाँ पर मुझे नाइफ़ की करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए साइड से ईज़िली से निकल जाएगा क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीस किया था मोल्ड को। और अब हम इसे डिमोल्ड कर देंगे। एक प्लेट के ऊपर मैं इस तरीके से इसको उल्टा रख दूंगी और एक से दो बार टैप करूंगी, इससे ये रिलीज़ हो जाएगा। देखिए हमारा केक कितनी आसानी से निकल गया।
और अब मैं बटर पेपर को निकाल दूंगी। देखिए वाओ कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी तरीके से केक हमारा बेक हुआ है। किसी को आप बताएंगे तो यकीन नहीं होगा कि पार्ले जी बिस्किट से आपने इतना अच्छा केक बनाया। इसमें हमने ना अलग से मैदा डाला, ना कोई तेल डाला, जस्ट दूध और बिस्किट से हमने इतना अच्छा सॉफ्ट और मुलायम केक बना के रेडी कर लिया है। इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से ये बेक हुए हैं। देखिए मैं इस साइड से काट के आपको दिखा देती हूँ कि हमारा केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। देखिए हमारा केक बिल्कुल ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो ये रेसिपी कितनी आसान है आपने देखा, जस्ट 25 से 30 मिनट में आपका केक बन के रेडी हो गया। तो इस रेसिपी को आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चे भी बहुत मज़े लेके खाएंगे क्योंकि उन्हें केक को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही मज़ेदार केक बना है। तो चलिए इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए और हमें फीडबैक में बताइए कि आपका केक कैसा बना। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।